पांचों राज्यों के चुनाव से पहले सत्तासीन भाजपा को झटके पे झटका लग रहा है। अब टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं के टिकट ना मिलने पर बागी हो रहे नेताओं ने झटका देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भाजपा में बागियों की लिस्ट की संख्या लंबी होती जा रही है। इससे सबसे अधिक परेशान राज्य में सरकार चला रही बीजेपी है। बीजेपी ने इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के दौरान 5 मंत्रियों सहित 54 विधायकों के टिकट काटे हैं। इस कड़ी में उसके अपने मंत्री विधायक बगावत की आवाज उठा रहे हैं। बीजेपी से टिकट कटते ही कई विधायकों ने तुरंत पाला बदलना शुरू कर दिया है। टिकट ना मिलने से नाराज बागी हुए नेताओं ने अब बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की ठान रहे हैं। बागी हुए नेताओं ने पाला बदलना शुरू कर दिया है। इसमें पाला नाम सरताज सिंह का है। बीजेपी से टिकट कटने की जानकारी लगते ही वे कांग्रेस के संपर्क में आ गए और शाम होते होते कांग्रेस के प्रत्याशी भी बन गए। अब वे बीजेपी के खिलाफ होशंगाबाद से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व गिरिराज मंत्री जगदीश मुहेल और कालू सिंह ठाकुर को भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वे दूसरी पार्टी में चले गए। बुंदेलखंड वाले इलाके में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया भी टिकट कटने के बाद बागी हो गए हैं। उन्होंने दमोह और पथरिया विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भी भर दिया है। इसी तरह जबेरा विधानसभा सीट पर भी बीजेपी नेता राघवेंद्र सिंह बागी हो गए हैं। उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कर लिया है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, पाला बदलने से नेताओं की छवि सुधर जाएगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।